नवजोत सिंह सिद्धू की चलाकी कोई काम नहीं आई, अब जेल के अंदर जाकर ठोको ताली। यही होगा क्योंकि रोड रेज केस के अंदर कपड़ों के बैग के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है सरेंडर। आपको बताना चाहेंगे कि रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक साल की कैद की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। सिद्धू ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों की मोहलत मांगने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि इसके लिए उन्हें प्रधान न्यायाधीश को एप्लीकेशन लगानी होगी। बिल्कुल अब उनको कोई राहत मौके पर नहीं मिलती देख उन्होंने पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना ही उचित समझा। और पंजाब के अंदर यही चर्चा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को क्या एक साल के लिए जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। हालांकि उनके वकील के द्वारा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, लेकिन तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। आने वाले समय में क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है या फिर एक वर्ष के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जेल के अंदर ही ठोको ताली का फार्मूला अपनाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।